साथ। हे गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं बना रही हूँ व्लॉग। सुबह तक एक्चुअली ना थोड़ा सा अपसेट थी कुछ चीजों को लेकर, लाइक स्पेशली यूट्यूब जर्नी को लेकर। पुराने वीडियोस के बारे में सोच रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। पहले मैं बता दूँ, पीछे टीवी चल रहा है सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो क्या था ना कि थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई हूँ, यू नो, यूट्यूब स्पेशली यूट्यूब को लेकर। लाइक यू नो, 5 साल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यू नो, 1 साल में, 2 साल में, 13 साल में, यू नो, वो लोग कहीं ना कहीं किसी हद तक वो पहुंच जाते हैं, एस्टैब्लिश कर लेते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। बट मेरा मतलब ऐसा नहीं बोलो दैट दे आर डूइंग समथिंग एल्स, वो वही कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से। सो मेरे दिमाग में बहुत सवाल घूम रहे थे कि इनका अचानक मीन्स लाइक यू नो, अभी भी शुरू किए हैं, इनके इतने व्यूज, इतने सब्सक्राइबर्स कैसे हो रहे हैं, जिसके सल्यूशंस मुझे तो अभी तक नहीं मिले। सो आई वॉज डिस्टर्ब। ऐसा नहीं कि मैं जल रही थी दूसरों का देखकर, बट यस, थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि खुद इतने साल से मेहनत कर रही हूँ और उस लेवल तक अभी तक पहुंच नहीं पाई। चलो गुस्से में सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, पर फिर से शुरुआत की। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा, क्या वही 5 साल उतना ही फिर से वक्त लगेगा? तो सोच के ना थोड़ा बुरा लग रहा था। तो जो भी हो, अभी इन चीजों को लेकर मैं जितना भी डिस्कस करूं, जो होना होगा वो तो होएगा। दूध गर्म कर रही थी क्योंकि पंकज और मेरे लिए मैं बना रही हूँ चाय अभी, तो हाँ अभी चाय पीने का टाइम है। सो दूध वाली चाय बना रही हूँ, मुझे पीने का मन हो रहा था तो मैंने पंकज को पूछा दूध वाला चाय बनाओ, तो हम दोनों के लिए बना रही हूँ। एंड एक करी बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने एक बैठा दिया है। एंड एक करी में जो जो चीज़ें मुझे लेना लाइक यू नो, आलू, ऑनियन, टमेटो, तो वो भी लेकर रख दी मैं बाहर। अंडा हो जाने के बाद बंद कर दूंगी, तब तक चाय भी मेरी हो जाएगी। सो उसके बाद मैं बनाऊंगी रात का डिनर, ये हम दोनों के लिए है, मेरे लिए और पंकज के लिए। और मम्मा ऑमलेट और ब्रेड खाएगी रात को। इन दिनों चिकन नहीं आया घर पर, पता नहीं कि अभी मुझे चिकन बनाने का मन हो रहा है, चिकन खाने का मन हो रहा है, पर पता नहीं चिकन आने के बाद मैं खाऊंगी कि भी नहीं, क्योंकि अभी मुझे एक्चुअली चिकन ना मुझे अभी उतना खास पसंद नहीं आ रहा है। बट आज 10 दिन हो चुका है, चिकन का चेहरा ही नहीं देखा। सो माय गॉड, 10 डेज, अभी और 7 डेज एंड देन फिर से लाइफ नॉर्मल। वैसे पहले से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। लगता है आज शायद कुकिंग के मामले में माइंड चेंज करने वाली हूँ। एग्स तो मैंने बॉयल कर लिया है, एक करी बनाऊंगी बोल के, बट आई थिंक शायद कुछ और बने, आई डोंट नो। पंकज का एक दोस्त है जिसने पंकज को व्हाट्सएप मैसेज किया कि प्रॉन्स और लेपो फिश मिल रहा है, अभी पता नहीं आज मिलेगा या कल मिलेगा या कब मिलेगा। अगर बाय चांस लेपो फिश मिलता है या प्रॉन्स मिलता है तो फिर प्रॉन्स का मैं कुछ करूंगी, और अगर लेपो मिलता है तो लेपो फ्राई करूंगी। बहुत मन हो रहा है फिश फ्राई खाने का, लेपो मुझे बहुत पसंद है। बांगड़ा, किंग फिश, ये दो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो उनमें से लेपो भी एक है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं कांटे के साथ ही खा लेती हूँ, इतना पसंद है। आज ना मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं बनी, बहुत टाइम के बाद ये ऐसे दूध वाली चाय बनाई ना, अच्छी नहीं बनी। सो ये रहा प्रॉन्स, थोड़ा मैंने बाहर निकाल के रखी हूँ, मैं भूल ही गई मुझे वीडियो करना है। और ये रहा लेपो, दिस इज लेपो फिश। सो प्रॉन्स मैं साफ कर रही हूँ और लेपो फिश मम्मा करेगी। बचपन में ना पहले मैं कर सकती थी, मतलब बचपन में लाइक जब मैं छोटी थी ना, माँ ने सिखाया था पर मैं भूल गई। पर ये वाला फिश मुझे शायद ना आए, भले ही फिश साफ करना आए या ना आए, पर ये वाला समझ के बाहर है। सिर्फ इसको मैं पका सकती हूँ और खा सकती हूँ। फटाफट आप लोगों के साथ ये प्रॉन्स का जो मैं मैरिनेट कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ वो मैं बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और सॉल्ट लिया है यू नो, टेस्ट के अनुसार, और मैंने लिया है सेसवान चटनी।
शेजवान चटनी आप ले सकते हो, या आप टमेटो सॉस भी डाल सकते हो, जिस तरह के भी सॉस है घर पे अवेलेबल आप डाल सकते हो। और मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें विनीगर, तो मैंने इस्तेमाल किया है विनीगर थोड़ा सा, एंड शेजवान चटनी, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। अभी इसको मैं मैरिनेट करके रखूंगी तब तक जब तक लेपो साफ हो जाता है। जब लेपो साफ हो जाएगा फिर मैं उसका मैरिनेट करूंगी, और उसमें मैं क्या क्या डालूंगी वो मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी के लिए ये मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। ये लेपो जो है सिंपल तरीके से सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। उसके साथ मैरिनेट करके रखो, एंड देन सूजी या रवा जो भी आप कहते हो उसमें लगाकर फ्राई करने का। आई विल शो यू दैट। सो ये रहा मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स, एंड ये रहा क्या बोलते हैं इसको, सूजी रवा, इसमें डुबोकर तेल में छोड़ने का। चलो दिखाती हूँ, यहाँ से लो, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। सो अभी यहाँ से लिए, इसमें डुबोए अच्छे से कवर करना चाहिए, एंड देन तेल में छोड़ने का, इस तरह से बाकी सब करने का। सो ये तो मैं रवा में फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं विदाउट रवा या सूजी जो भी बोलते हैं इसको, तो वैसे भी आप फ्राई करके खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है डीप फ्राई। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves. ये है लेपो, मैंने पहले ही डाल दिया, मैं भूल गई, तो एक उल्टा भी कर लिया। एंड ये आप काटे के साथ भी खा सकते हो, सच में मुझे तो इसका फ्राई ज़्यादा तक पसंद है। तो थोड़ा सा ये बाद में करूँगी फ्राई, अभी ये थोड़ा फ्राई कर लूँ, एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्राई करके रखी हूँ। किचन से पूरी तरह नहाकर आई हूँ मैं, लिटरली इतनी गर्मी है, एंड दो प्रॉन्स मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ और दो लेपो भी मैं खा चुकी हूँ। अभी चार लेपो बचे हैं और चार प्रॉन्स बचे हैं। सो पहले खा लेती हूँ, एंजॉय कर लेती हूँ फिश फ्राई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे खाने का मन था इस तरह से फ्राई करके। नॉर्मली ये जो फिश है ना लेपो, इसको आप डीप फ्राई नहीं कर सकते हो, फिर भी आप प्रॉन्स को कर सकते हो। गोवा के फिश ना आप डीप फ्राई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो टेक्निक आना चाहिए, नहीं तो रवा में ही फ्राई करके खाओ। एनीवेज मैं अभी अपना फिश फ्राई एंजॉय करती हूँ, सी यू इन सम टाइम। सो डिनर बनेगा, अभी रात के बज रहे हैं 10, फिर भी मैं बनाने वाली हूँ एक करी और राइस। राइस जितना है बहुत ही कम है, सो राइस बनाना है, मम्मा विल नॉट हैव, सो बना देती हूँ। सोचा था हम लोग ऐसे ही ब्रेड के साथ बाद में, एक्चुअली पंकज को कुछ ग्रेवी ग्रेवी चाहिए, सो चलो कोई ना बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा ही टाइम लगेगा। और वैसे भी आई लव कुकिंग। हे हेलो गाइज, अब एंड करने का टाइम हो गया है व्लॉग। अभी टाइम हुआ है 1:10, एंड हमारा डिनर हो गया है। आज मेरा अंडा करी बनाई, अंडा करी में ना थोड़ा मसाला ज़्यादा हो गया था, बट मेरा बनाया हुआ गरम मसाला, सिर्फ मसाले में ज़्यादा हुआ है। ये मैंने गलती से कोरिएंडर पाउडर समझ के मैंने जीरा पाउडर ज़्यादा डाल दिए, क्यूमिन शीट पाउडर मैंने ज़्यादा डाल दिए थे। एनीवेज खाने में अच्छा ही हुआ था अंडा करी। चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल। अपना ख्याल रखना, ठीक है, और मुझे देखते रहना।